चुनावी रणधिकार प्रशांत किशोर लगभग एक दशक से भारतीय राजनीति में चर्चाओं में रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के लिए रणनीति बनाई थी। उनसे एक सवाल पूछे जाने कि आपने जिसके साथ काम किया वो प्रधानमंत्री बन गया, जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सीक्रेट है। जी हाँ, जब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी के साथ क्या दिक्कत है, जवाब देते हुए पीके ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस के नेता तय करेंगे उन्होंने क्या करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कई मुद्दों पर एक दूसरे की बातों से सहमति नहीं रखते हैं। राहुल गांधी के अपने विचार हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, पीके ने कहा कि ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ। दबाव बनाने पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये बात देश की जनता तय करेगी, उन्हें जनता के सामने साबित करना है। अगर आप कहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, तो यही कारण है कि गुप्त मतदान करवाई जाती है। वहीं दूसरे सवाल पूछे जाने पर कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन सकती हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने यूपी में उनके साथ काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो बैकग्राउंड में रहकर काम करती रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी तय करेगी। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, ये वही तय करेंगे कि उनके नेता कौन हैं, और एक बाहरी के तौर पर हमारे विचार हो सकते हैं, लेकिन हम दबाव नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस ने 60-65 साल इस देश पर राज किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।